हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पर दोबारा बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज हम लोग बहुत ही क्विकली आपके आंसर्स देखने वाले हैं कि आपके दिमाग में अभी जो कुछ भी डाउट है या क्वेश्चन है, तो या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं या फिर कुछ डिसीजन लेना है, तो उस टाइम आपको सिर्फ येस या फिर नो में जवाब चाहिए, तो उसके लिए रीडिंग है। यहाँ पे मैं आंसर सिर्फ यस और नो इतना ही क्लियर कट आपको बताऊँगी, बाकी कुछ और डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन के लिए आप अलग अलग फाइल चूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आपके एक से ज़्यादा क्वेश्चंस है तो आप अलग अलग दूसरे ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं। तो आपको फाइल कैसे चूज़ करना है पता ही रहेगा, अपना क्वेश्चन के बारे में सोचना है, जहाँ पे भी आप बिलीव करते हैं जिस एनर्जी में वहाँ पे प्रे करना है, और उसके बाद में पर्टिकुलर फाइल चूज़ करनी है आपके आंसर्स के लिए। तो ये जवाब क्लियर कट रहेगा, यानी यस और नो क्लियर कट रहेगा, बाकी डिटेल्स मैं कुछ और शेयर नहीं करने वाली। इनकेस अगर कहीं पे मुझे लगता है कि आंसर यस भी नहीं है नो भी नहीं है, तो वहाँ पे अगर मुझे उस टाइम गाइडेंस आया तो उस टाइम में कोई और एक्स्ट्रा कार्ड गाइडेंस के लिए या फिर क्लैरिफिकेशन के लिए निकालूंगी, नहीं तो नहीं। तो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से एक एक पाइल चूज़ करनी, ये पाइल वन है या फिर ये पर्पल कलर, पाइल टू ग्रीन, पाइल थ्री ब्राउन, पाइल फोर रेड और पाइल फाइव येलो। पर्पल ग्रीन ब्राउन रेड येलो, आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से एक पाइल आपको चुननी है और जो कुछ भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती है, बहुत सारी लोगों की एनर्जी से कनेक्ट करके किया जाता है, तो हो सकता है किसी को ये रेजोनेट ना करे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डिटेल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ यस नो बता रही हूँ, तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं एक नंबर या फिर जिन्होंने पर्पल चूज़ किया था उनके लिए कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आता है। जिन्होंने ये पाइल चूज किया है फर्स्ट या फिर ये पर्पल कलर, आपका जो कुछ भी क्वेश्चन था उसका आंसर है नो, क्लियर कट नो है, कोई भी पॉजिटिविटी यहाँ पे नहीं दिख रही है, फिलहाल तो नहीं है। आप भी ये डिपेंड करता है कि आप लोगों का क्वेश्चन किस टाइप का है, इस पे भी यस नो डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ इस रीडिंग में, सिर्फ यस और नो बता रही हूँ। तो जिन्होंने फर्स्ट या फिर ये पर्पल चूज़ किया है उनका आंसर है नो। अगर आंसर नो भी आ रहा है तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि आप लोगों का क्वेश्चन किस टाइप का है, उस पे भी ये मैटर करता है। तो अभी जिन्होंने दो नंबर चूज़ किया है उनकी या फिर एक ग्रीन कलर चूज़ किया है, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है आंसर, यस है नो है क्या आता है। जिन्होंने दो नंबर या फिर ये ग्रीन कलर चूज़ किया है तो आपको तो खुश होने की ज़रूरत है, यस आया है, क्लियर यस है। जो कुछ भी आपने क्वेश्चन पूछा है, होगा नहीं होगा, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, करना है नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए यस है। जिन्होंने दो नंबर चूज़ किया है उनका आंसर है यस। तो अभी देखते हैं जिन्होंने ये तीन नंबर चूज़ किया है या फिर ये ब्राउन कलर, तो आपका आंसर क्या आता है, यस है नो है क्या आता है, देखते हैं। नंबर तीन, जिन्होंने भी तीन नंबर चूज़ किया है तो उनका जवाब भी है यस, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई सिचुएशन
ख़त्म होने की आप राह देख रहे हैं, कब ख़त्म होगा, कोई रियूनियन है, कोई बात करना चाहता है, कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहता, जो भी आपका क्वेश्चन है उन सारी चीज़ों के लिए आपका आंसर है यस। तो चलिए अभी देखते हैं जिन्होंने चार नंबर या फिर ये रेड कलर चूज़ किया था तो आपका आंसर क्या आता है, यस है, नो है, देखते हैं। जिन्होंने चार नंबर चूज़ किया है ना, यस है आपके लिए भी। अब मैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए जाऊँ, मुझे यहाँ पे क्लियरली सबकी सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि छोटा सा वीडियो मैं बना रही हूँ, सिर्फ यस और नो। तो आप जिन्होंने ये चार नंबर या फिर रेड कलर चूज़ किया है ना, तो आपका भी आंसर है यस। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, वेट करना पड़े, लेकिन या फिर कुछ लोग नाराज़ हो जाए, लेकिन फिर भी यस होगा। आपका जवाब है यस, जिन्होंने चार नंबर चूज़ किया था। चलिए अभी लास्ट देखते हैं जिन्होंने ये येलो कलर चूज़ किया है तो उनके लिए क्या आता है, देखते हैं आपका आंसर क्या है, यस है, नो है। जिन्होंने पांच नंबर या फिर येलो चूज़ किया था ना, आपके लिए ना मुझे 50-50 लग रहा है, यानी यस भी नहीं है, नो भी नहीं है। यहाँ पे क्लियर आंसर नहीं मिल रहा मुझे, यूनिवर्स अभी आपको कुछ क्लियर नहीं करना चाहता। ये यस भी नहीं बोल सकते, नो भी नहीं बोल सकते, 50-50 है। तो आपके लिए सिर्फ एक मैं गाइडेंस कार्ड निकालूंगी कि आपको फिर क्या लेना है आंसर, यानी अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए आपने क्वेश्चन किया था तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है, उसके लिए मैं एक और कार्ड आपके लिए निकालूंगी। भाई जंप आउट हो गया कार्ड आपके लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिन्होंने भी पांच नंबर चूज़ किया था तो आप लोगों ने शायद किसी रिलेशनशिप के क्वेश्चन के लिए किया है, जैसे कि सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, तो बात होगी नहीं होगी, मिलना होगा नहीं होगा, दोबारा मिलेंगे कि नहीं, तो शायद हो सकता है आप लोगों का ये क्वेश्चन रहा हो। तो यूनिवर्स यहाँ पे यस नो में बताने वाली थी, लेकिन यूनिवर्स आपको अभी बताना नहीं चाहता है। लेकिन गाइडेंस कार्ड मैंने निकाला है कि टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में रिजल्ट यस में कन्वर्ट होगा। जो कुछ भी आपको चाहिए वो यस में ही आएगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल आपकी एनर्जी ठीक नहीं दिख रही है मुझे, गुस्सा है, इरिटेशन है, तो ये सब एनर्जी आपको हील करनी है आगे जाके। अभी जो 50-50 वाली एनर्जी है ना, तो वो चेंज होगी और यस में आएगी। तो आई होप आप लोगों को ये वाला छोटा सा रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। और अगर आपको डिटेल रीडिंग लेना है किसी भी चीज़ के लिए, या फिर कोई कंसल्टेशन लेना है, हीलिंग लेनी है, बहुत सारी सर्विसेज है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और जाने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना। जैसे कि मैं ज़्यादा वीडियोस टैरो के बनाती नहीं हूँ, जब मुझे गाइडेंस आता है तभी बनाती हूँ। तो आप लोगों को बताना ये वाला छोटा सा रीडिंग कैसा लगा है, तो आऊँगी मैं कुछ और नया वाला लेके, नए वाले गाइडेंस मेरे पास आए हैं वो वाले वीडियोस लेके मैं आऊँगी। तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तमसोमा ज्योतिर्गम्यम, धन्यवाद।